नाबालिग व युवाओं से धारदार बटन चाकू, छुरी और प्लास्टिक लाइटर गन को पुलिस ने किया जब्त। सभी चीजें ऑनलाइन शॉपिंग साइटों से मंगाई गई थी। एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग साइटों से मंगाए गए धारदार 41 नग बटन चाकू, छुरी एवं एक नग प्लास्टिक लाइटर गन को नाबालिग लड़कों व युवाओं से जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़कों, युवाओं एवं उनके परिजनों को समझाइश दी गई है कि इस प्रकार की किसी भी चीज को न खरीदें, इससे किसी भी वक्त या कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। उन्होंने आगे कहा कि साइबर टीम द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इतना तो है, इस मामले में पुलिस ने बड़ी गंभीरता दिखाई है, नहीं तो कभी भी बड़ी घटना घट सकती थी। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इन डिजाइनर चाकू छुरी को नाबालिग और युवाओं ने क्यों मंगाया था। जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अन्य शॉपिंग साइट्स है, उसके माध्यम से धारदार और बटन वाले चाकू मंगाते हैं, उनके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। तो उसमें उनके निर्देश पर साइबर टीम के द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर जो शॉपिंग साइट्स हैं उनसे इनकी जानकारी प्राप्त की गई और फिर उनसे संपर्क कर ये जो चाकू, धारदार चाकू, बटन वाले चाकू हैं, इस प्रकार के जो हथियार पाए गए उनको जब्त किया गया है। और ज़्यादातर इसमें नाबालिग और युवा वर्ग के थे, तो उनके पेरेंट्स से संपर्क किया गया, उनकी जो चाकू जो मंगाए थे उनकी काउंसलिंग की गई, उनके पेरेंट्स जो हैं उनको भी समझाइश दी गई है कि इस प्रकार के वो शॉपिंग साइट से ना मंगाएं और इसको लेकर घूमें नहीं। ये धारदार चाकू हैं, कुछ बटन वाले हैं और इसका उपयोग चूँकि डराने धमकाने के लिए या किसी घटना को अंजाम देने के लिए हो सकता था, तो इसे मतलब रोकने के लिए, प्रभावी रोकथाम के लिए यह कार्रवाई की गई है।